दिलीप सिंह चौहान है। मैं पुणे से मेरे पत्नी के इलाज के लिए यहाँ आया था सावरलाल ऑस्टियोपैथी सेंटर में। हमको रहने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि इनके पास रहने की व्यवस्था है फिर भी, लेकिन सारे के सारे रूम्स है इनके, जो वार्ड्स है सारे फुल हो चुके थे। मेरे पत्नी के साथ में मेरा भी इलाज शुरू हो गया था, तो हमने डॉक्टर सर को खुद होके जाके बताया कि सर हमको जहाँ पर भी कुछ रहने की यहाँ पे व्यवस्था होती है तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहला दिन तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हम कहीं बाहर रहे थे। डॉक्टर हेमंत सर ने भी हमको बता दिया है कि देखो कल की 21 तारीख है और कल हमें एक नई बिल्डिंग इन्होंने बनवाई, जो कि बिल्कुल एक रास्ता क्रॉस करके 40 कदम पर ही सामने ही ये बिल्डिंग है, उसके अंदर उन्होंने सारी व्यवस्था की है। जो भी पेशेंट्स आते हैं अपने इलाज के लिए उनको रहने की, भोजन, सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन और शाम का भी चाय नाश्ता भी, वो भी वहां पर है। बिल्डिंग इतनी सुंदर बनाई है, डेट इज स्टेट ऑफ आर्ट। कपल होता है जैसे मियाँ बीवी का बोलो या पति पत्नी का हो, उनके लिए एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से एक रूम बनाई है उन लोगों ने, अच्छे डिजाइन किए है, वहीं पर बाथरूम भी है और एक अच्छा सा कॉट और अपने सामान रखने की जगह, एसी एकदम सुंदर तरीके से चल रहा है। उनका हाउसकीपिंग एक अच्छी तरीके से है कि समय पे बराबर सुबह सुबह हाउसकीपिंग वाले लोग आएंगे, साफ सफाई करके चले जाएंगे, सुबह 7 बजे बराबर चाय वाला अपना चाय लेके आएगा, बीच में के समय में बराबर आप अपनी ट्रीटमेंट करके 40 कदम चल के सामने से इनका जो सेंटर है ट्रीटमेंट का सेंटर वहां से जाके आ भी सके हो। नई जैसी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, पूजा हुई, हमारे पति पत्नी हम पहले रहने के लिए चले गए, हमारी पर्ची नंबर 1 है। तो ये तो बहुत ही अच्छी सुविधा इन लोगों ने, जो भी कोई ट्रस्ट है इनके जो कमिटी है इन लोगों ने बहुत ही सोच समझ कर किए हैं। वहाँ पर लिफ्ट भी है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी इन्होंने नीचे बनाया है, किसी को अफोर्ड नहीं होगा रूम तो, कोई अकेले आए हो तो उनके लिए क्वार्ट भी रहने के लिए दिए है, मेल फीमेल की अलग अलग व्यवस्था हो चुकी है, उनके चाय पानी की व्यवस्था इसी तरीके से है, सबका खाना एक ही है। और रही बात है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के बारे में इनका क्या कहना है, ये तो वर्ल्ड फेमस है। मुझे लगता है कि जो इसमें गिने चुने जो ऑस्टियोपैथी की जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें से एक सेंटर है सावरलाल जी का, कि जहां पर सालों से कोई घुटनों के दर्द से होगा, कोई एल्बो के दर्द से होगा, या कोई अब बैकबोन के दर्द से परेशान होगा, या तो कोई कंधे किसी के दर्द करते हैं, या कोई सर्वाइकल के कारण किसी का सिर दर्द होता है, ये सारे इलाज यहाँ इतने सुंदर तरीके से होते हैं और एक चमत्कारिक तरीके से होते हैं। छोटी सी एक 10 मिनट की इनकी ट्रीटमेंट होती है, ये ट्रीटमेंट के बाद में तो ऐसा लगता है कि ये कल दर्द था या जो आज है नहीं है, और कुछ दिनों के बाद में तो हम दर्द ढूंढने लगते हैं कि हमको कहाँ दर्द था, भूल भी जाते हैं हम लोग कहाँ आए कहाँ नहीं। इनकी जो फीस है वो महज सिर्फ 100 रुपए फीस है। 100 रुपए में ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाकी जैसे कोई डॉक्टर आके देखेंगे आपको, हाथ लगाएंगे और बताएंगे आपको ऐसा ऐसा पर्ची लिख के देंगे भेज देंगे, ऐसी नहीं है। यहाँ के डॉक्टर के साथ में उनकी सारी की सारी टीम आपके शरीर को जहाँ प्रॉब्लम है वो पॉइंट आउट करते, पॉट आउट करके, पॉइंट जो प्रेस करना है, जो पॉइंट फ्री करना है, जो नस फ्री करना है, जिनके कारण मूल तकलीफ कहाँ पर है पेशेंट को, ये बराबर वो जानते हैं। इसका इतना फायदा हो रहा है कई लोगों को, हजारों के तादाद से पेशेंट यहाँ पे अच्छे होके जा रहे हैं, सुबह 200-250 पेशेंट, शाम को 200-250 पेशेंट, इतना देखने की इतनी कैपेसिटी है। और हंसते खेलते आएंगे, हंसते खेलते चले जाएंगे, और पेशेंट भी हंसते खेलते पहले रोते आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। सारी टीम जो है इनके डॉक्टरों की टीम है, पंचकर्मा वाली टीम है, कोई उनके नर्सेस है, फिजियोथेरेपी वाली टीम है, फ्रंट ऑफिस की टीम है, ये सारे हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए ही जाते हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा लगता है कि साइकोलॉजिकल भी हमको ट्रीटमेंट मिलती है, हम भी बोले हमारा हौसले बढ़ जाते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि बस जिसको भी ऐसी भी इस प्रकार की तकलीफ है आप सही में यहाँ पे आके एक बार इलाज करवा लो। इनकी जोधपुर के साथ साथ में अलग अलग ब्रांचेस भी है, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली में भी है, जहाँ जिनको जैसा अच्छा लगे वहाँ जाए और अपना अपने शरीर का इलाज करके खुद का फायदा कर ले, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेंगे उनको। अनुभव लेना बहुत जरूरी है, अनुभव के बगैर तो कुछ होगा नहीं। हम तो बातें करते रहेंगे, हमारा अनुभव इसलिए हम बता रहे हैं, हम साझा कर रहे हैं, लेकिन जो भी जाएगा तो उसका अनुभव वही रहेगा, ये इसकी हमें एक कन्विक्शन है। मैं सबको यही कहूंगा कि सब लोग यहाँ जाए और अपने इलाज करवा के अपनी जिंदगी आनंदित करे और अपने दुख भगा के जो भी कोई शारीरिक दुख है उससे पूरी मुक्ति मिल जाएगी आपको, पूरी मुक्ति मिले और आप सबको अच्छा हो, ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और हम और एक प्रार्थना करते हैं कि ये जो टीम है इनकी यहाँ की सावरलाल ऑस्टियोपैथी सेंटर की, कि ये सारे अच्छे रहे, इनको उदंड आयुष्य मिले और इनका जो यश मिलने का जो तरीका है, इनको दिन ब दिन इनके यश मिलने की जो 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 रेशो है, इनका जो यश मिलने का जो प्रमाण है वो बढ़ती जाए। नमस्कार।